चिड़िया और तितली भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। एक बार कहा गया था कि एक जंगल में चिड़िया का घोंसला था, उसी जंगल में एक तितली भी थी। तितली को अपने रंगीन पंखों पर बहुत गर्व था। एक दिन चिड़िया एक आम की शाखा पर बैठी थी, फुसफुसाना, मैं वनवासी हूँ, मेरा घर आम की टहनियों से भरा है। तितली बैठी चिड़िया का गीत सुन रही थी, उसके नीचे एक बिल्ली भी थी। उसकी बातें सुनकर उसके कान खड़े हो गए। चिड़िया ने बिल्ली से कहा, मेरी आवाज ज्यादा सुंदर है या तितली के आकार की आकृति दिखाई दे रही है? तोता पेड़ की टहनी पर बैठा था। ये शब्द सुनकर वो बहुत हंसा और बोला, अरे चिड़िया, बिल्ली को तुम्हारी आवाज पसंद नहीं है और तितली का आकार पसंद नहीं है। एक कौवा जमीन पर कुछ काट रहा था, उसने कहा, बिल्ली को तुम्हारा कुछ पसंद है? बिल्ली बहुत क्रोधित हुई और गुस्से से बोली, कितने बदसूरत पक्षी इस जंगल में रहते हैं। मैं तुम्हें प्यार से बुला रहा था और वे कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। यह सुनकर तोता और कौवा खूब हंसे, जाओ। तब तितली पैरों से उड़कर पेड़ की हरी पत्तियों में छिप गई और तितली की जान बच गई। प्यारे बच्चों, अल्लाह सर्वशक्तिमान को घमंडी लोग पसंद नहीं हैं।